हाय फ्रेंड, मेरे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुधाय। और मैं आज आई हूँ लेकर के टॉपिक जो इंद्र कुमार मेघवाल को जालौर जिला राजस्थान का जो घटना है उसको लेकर के मैं आज आई हूँ, क्योंकि वो जो घटना है जो सारे देशवासी दलित समाज के लिए वो बहुत झकझोर देने वाली घटनाएं जो हुई है उसको लेकर के सारे हमारे राष्ट्र में, हमारे पूरे देश में इस घटना को लेकर के हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं और अपने आप को बहुत महसूस अजीब सा कर रहे हैं कि इस आज़ाद देश में भी आज भी हम गुलाम हैं। जो हमारे देश के 75वां स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, आज भी हम गुलाम हैं और आज़ाद आज भी हम नहीं हैं। जिनके लिए आज़ादी बनी है वो स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर के आज़ादी बनी है, आज दलित समाज की आज़ादी नहीं है। क्योंकि किसी दलित समाज के बच्चे को मटके छूने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको पानी पीने के जुर्म में हत्या कर दी जाती है, किसी को घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, किसी को मूछ रखने पर हत्या की जाती है, तो क्या इस देश को हम आज़ाद देश कहेंगे? नहीं, आज भी इस देश में हम गुलाम हैं। हमको दलित समाज के लोगों को गुलाम बना करके रख दिया गया है, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं आज़ाद देश में। हिंदू राष्ट्र है, किस बात की हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं आप लोग? यहाँ पे जो दलितों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है, जो नन्हा बोध बच्चा जो आज भी हमको कहने पर वो घटना को लेकर के आंख में आंसू आती है, जो 9 साल का बच्चा है इंद्र मेघवाल, जो एक पानी बूंद के लिए उसकी मृत्यु दंड दी जाती है, उसका घड़ा छूने पर मृत्यु दंड दी जाती है, त्याग कर दी जाती है, जहाँ पे उसका छुआछूत का भावना, पानी का पीने का अधिकार नहीं है। आज वो राजस्थान सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस बच्चा ने क्या गलती किया था जिसको मृत्यु दंड दिया है उन लोगों ने? उस जो छैला सिंह उसको तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए था। ये राजस्थान सरकार को जो 9 साल को बच्चे को मृत्यु दंड दिया है, वो बाबा साहेब ने जो महाड़ तालाब ने पानी पी करके अपने डंटे लाठी लात घूंसे पूरा खाए थे उस समय बाबा साहेब ने, आज उसी चीज को दोहराया गया है जो 9 साल का बच्चे ने वो अपनी वो पानी वो मटका अपना मौत को अपनी जान को आहुति दे करके वो ये कर्ज को चुकाया, जिसने वो पानी पीने का अधिकार से वो मुक्त कराया। जो बच्चे बाबा साहेब ने ये चीज वो 75 साल पहले किया था, वो चीज़ फिर से दोहराया गया है जो बाबा साहेब को बीती बातों को, जो पानी के मटके छूने से उसकी मृत्यु दंड दी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही और मैं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय हिंद।